सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम आज आप सभी के समक्ष शारीरिक शिक्षा विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक एथलेटिक इंजरीज और एथलेटिक केयर के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसको स्लाइड्स के माध्यम से समझते हैं। एथलेटिक इंजरीज एंड एथलेटिक केयर कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, इसको समझने के लिए हमने इसको तीन भागों में व्यक्त किया है, क्लासीफाई किया है। कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस यानी कि अवधारणा और महत्व। दूसरा टॉपिक है फैक्टर्स कॉजिंग इंजरीज, इसका सब टॉपिक जो दूसरा है वो है फैक्टर कॉजिंग इंजरीज यानी कि चोट पहुंचाने वाले कारक। और तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि चोट की रोकथाम के सामान्य सिद्धांत यानी कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज। तो कॉन्सेप्ट है, इसकी अवधारणा है कि अकॉर्डिंग टू द IOC मैनुअल ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, अ स्पोर्ट्स इंजरी मे बी डिफाइंड एज डैमेज टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज। सामान्यतः हम खेलों में लगने वाली जो चोटें खेल खेलते समय जो या व्यायाम के परिणाम स्वरूप जो हमारे शरीर के ऊतक हैं उनमें जो क्षति होती है उसको हम खेल चोटों के संदर्भ में जानते हैं। साथ ही साथ अगर हम स्पोर्ट्स इंजरी के टर्म की बात करें तो उसको हम यहाँ पर समझते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, द टर्म स्पोर्ट्स इंजरी रिफर्स टू द काइंड्स ऑफ इंजरीज दैट मोस्ट कॉमनली हैपन ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज सच एज स्प्रेन्स स्ट्रेन्स एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर। इन दिस प्रेजेंटेशन यू कैन सी दैट स्पोर्ट्स इंजरी कैन अकर्स मोस्टली वाइल वी आर डूइंग स्पोर्ट्स एक्सरसाइज और एनी अदर कॉम्पिटिशन। तो हम समझते हैं कि खेल चोट उन चोटों को संदर्भित करता है जहां आमतौर पर हम खेल और व्यायाम के दौरान होने वाली चोटों को के अंतर्गत बात करते हैं, जैसे मोच हुई, खिंचाव हुआ या तनाव हुआ या सडनली एक फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि अगर एक्यूट चोट लग जाती है वो फ्रैक्चर के रूप में आ जाती है। तो वो मांसपेशियों को, टेंडन्स को, स्नायु बंधन को, लिगामेंट्स को हमारे और हड्डियों को डायरेक्टली अफेक्ट करती है ये खेल चोटें। तो हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर खेल चोट से अवधारणा समझ में आती है, जो कि हम सरल शब्दों में अगर कहें कि वह चोटें जो खेल के दौरान हमें लगती हैं वो खेल चोट के अंतर्गत आती हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में अगर हम बात करें कि खेल चोटों का महत्व क्या है, ये शारीरिक उपचार से कहीं अधिक होता है, क्योंकि खेल चोटें जो होती हैं वो स्वाभाविक होती हैं और अचानक से कभी भी लग सकती हैं, और इसमें एथलेटिक की केयर, एथलेटिक का प्रदर्शन और एथलीट को जो लंबे समय तक उसको सही स्थिति में लाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव दिया जाता है, क्योंकि खेल प्रदर्शन पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण तैयार करने के लिए इन चोटों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इनको करीब से जानने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि खेल चोटों का जो हमारे परफॉर्मेंस है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। खेल चोटों का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही लंबे समय तक पड़ता है, क्योंकि एथलीट पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक, न केवल शारीरिक रूप से मानसिक रूप से भी प्रभावित हो जाता है और उसके परिणाम उसको लंबे समय तक भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी क्षमता प्रभावित होती है, उसका प्रदर्शन प्रभावित होता है और उसके प्रदर्शन में गिरावट भी आ सकती है खेल चोटों के कारण। साथ ही साथ उसका फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी रहते हैं, जैसे कि अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो उसके चिकित्सा के उपचार में जितना व्यय आता है खेल संगठन के द्वारा वो किया जाता है या खिलाड़ी के द्वारा किया जाता है, और दोनों को ही संभावित रूप से आय पे या वित्तीय लागत उसकी बढ़ सकती है। तो उसका जितना आय नहीं होगी उससे ज्यादा उसको व्यय करना पड़ सकता है यदि उसकी सही तरीके से रोकथाम या चिकित्सा न की जाए। तो इसके साथ ही साथ लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स आते हैं। आप यहां देख सकते हैं, मैंने लिखा है थर्ड उसमें कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इसके कभी कभी गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं जिसमें एथलीट के जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और संभावित रूप से उसको पुरानी स्थिति में लाने के लिए कभी कभी असामान्य स्थितियां भी आ सकती हैं, जैसे कि वो पूरी तरीके से कभी कभी विकलांग भी हो सकते हैं, क्योंकि खेल चोटें जैसे कि आप देख सकते हैं वेट लिफ्टिंग है, कभी अगर गलत तरीके से उसके हमने प्रयास किया है, खिलाड़ी प्रयास करता है तो उसको लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं इंजरी के। तो इस तरीके से देखा जाए उसके साथ साथ एथलीट को साइकोलॉजिकली भी
कई कई तरीके से इफेक्ट्स आते हैं। जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं उसमें तनाव, चिंता, अवसाद, इस तरीके के अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है खिलाड़ी को, और तब उसको निराशा महसूस होती है कि जब वो अपनी पसंदीदा गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता, और जब वो अपने पूरे लॉन्ग टर्म उसने जो प्रैक्टिस की होती है सडनली उसको चोट लग जाए और उसका जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो जाए, तो इस तरीके से उसको मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत आघात पहुंचता है। तो खेल चोटों का महत्व इसलिए भी और बढ़ जाता है। टीम की गतिशीलता पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो टीम के डायनामिक्स होते हैं उसमें, क्योंकि जब टीम खेलती है तो एक खिलाड़ी नहीं खेलता है वहां पर, पूरी टीम खेलती है, और अगर एक भी खिलाड़ी को वहां पर चोट पहुंचती है तो पूरी टीम यानी कि समग्र टीम उसमें जो है उसका प्रदर्शन प्रभावित होता है। पब्लिक परसेप्शन की बात करें हम, तो पब्लिक परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हाई प्रोफाइल खेल चोटें होती हैं अक्सर मीडिया उस पर ध्यान आकर्षित करती है और खेल सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाती है और चोटों की रोकथाम पर प्रेरक चर्चा भी करती है। तो इस तरीके से देखा जाए जो पब्लिक परसेप्शन है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज के अंतर्गत अगर देखें तो पब्लिक परसेप्शन एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है। खेल सुरक्षा की रोकथाम करने के लिए साथ ही साथ हम स्पोर्ट्स मेजर्स की बात, सेफ्टी मेजर्स की बात करते हैं कि खेल जो कई तरीके के ऐसे खेल होते हैं जहां पर हमको सेफ्टी का ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है, जिससे कि खेल चोटों के जो जोखिम है उनको कम किया जा सके और उचित सुरक्षा उपायों को और चोट की रोकथाम को की नीतियों पर हमें ध्यान दिया जा सके, या ऐसी नीति बनाई जाए जो इस माहौल को क्रिएट कर सके जहां पर सुरक्षात्मक उपाय सर्वोच्च हों। जैसे कभी कभी कुश्ती का अगर हम देखें मल, और इसी तरीके से फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें अक्सर खिलाड़ी को चोट लगती ही लगती है और कभी कभी ये चोटें गंभीर रूप से लग जाती हैं। ऐसे में खेल सुरक्षा और उसकी रोकथाम के उपाय जरूर ध्यान से रखने में चाहिए और ये खेल इंजरीज का, ये खेल खेल चोटों का महत्वपूर्ण भाग है। रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी, अगर हम रिहैबिलिटेशन और रिकवरी की बात करें तो खेल सुरक्षा और रोकथाम, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पुनर्वास और पुनर्प्राप्ति, यानी कि हम खिलाड़ी को पुनः उसी स्थिति में ले, चोट लगने के बाद उसको जब हम पुनः उसी सामान्य स्थिति में लाते हैं तो हम उसको पुनर्वास या रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत मानते हैं, जिसमें खिलाड़ी के लचीले जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पूरा मोबिलाइजेशन आ जाए या जिस अंग पर चोट लगी है, जो प्रभावित भाग है उसको पूर्णतया ठीक करने के बाद उसका प्रॉपर जो मूवमेंट है वो आ जाए। तो इस तरीके से पुनर्वास और पुनर्प्राप्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरीज के महत्व के अंतर्गत या सिग्निफिकेंस के अंतर्गत। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उचित प्रशिक्षण के अभाव में, यानी कि अनुचित प्रशिक्षण अगर दिया जाएगा, यानी कि अगर ट्रेनिंग एथलीट की प्रॉपर नहीं होगी तो उसके चोट लगने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं, और उसको एक अनुकूलित वातावरण मिलना बहुत जरूरी है। खेल खेलते समय सिर्फ खेलना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके आसपास के माहौल, उसके सेफ्टी मेजर्स, उसके इम्पैक्ट जो है, उसने जो जिस तरीके से ट्रेनिंग ले रखी है, जिस तरीके से उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, जो इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं, उस पर भी महत्वपूर्ण रूप से भाग ध्यान दिया जाना चाहिए। और उचित प्रशिक्षण जो होता है वो चोटों को कम करता है, जोखिम को कम कर देता है, क्योंकि वो एक ट्रेनर के अंतर्गत, ट्रेनर की प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा दिया जाता है, और उचित प्रशिक्षण के अंतर्गत तकनीकें, सही तकनीकों का ज्ञान दिया जाता है, पर्याप्त आराम दिया जाता है, एथलीट को प्रॉपर कंडीशनिंग होती है उसकी। तो इन सब मेजर्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज को जानते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंजरीज एंड आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। यहां पर अब हम खेल चोटों को दो व्यापक श्रेणियों में बांटते हैं। सबसे पहले हम दीर्घकालिक या एक्यूट इंजरीज, सॉरी गंभीर इंजरीज को देखते हैं, जो कि गंभीर चोटें होती हैं, और दूसरा होती है क्रॉनिक इंजरीज, क्रॉनिक जो लंबे समय में, जो लंबे समय तक रहती हैं, खिलाड़ी इनको ज्यादा दिनों के बाद लंबी अवधि तक इनको फेस करता रहता है। तो पहले जानते हैं एक्यूट इंजरीज क्या होती है। एक्यूट इंजरीज हैपन सडनली सच एज व्हेन अ पर्सन फॉल्स, रिसीव अ ब्लो और ट्विस्ट अ जॉइंट। एग्जांपल्स ऑफ एक्यूट इंजरीज आर स्प्रेन्स एंड डिसलोकेशंस, यानी कि जब कोई व्यक्ति गिरता है
या झटका लगता है खेलों के दौरान, अगर अचानक से उसको कोई झटका लगता है या वो गिर जाता है, या अनइवन सरफेस पे उसका पैर लग जाने से मुड़ जाता है पैर, या एथलीट को किसी इक्विपमेंट से सडनली कोई चोट लग जाती है या कोई जोड़ मुड़ जाता है, तो इनको तीव्र चोटों के अंतर्गत रखते हैं। और साधारणतः इसमें डिसलोकेशन यानी कि जो जॉइंट होता है वो डिसलोकेट हो जाते हैं, वहां से मूवमेंट मसल्स जो होती हैं और मोच की जो अवस्था होती है वो इसके अंतर्गत आती है। और अगर हम लोग क्रॉनिक इंजरीज की बात करें तो पुरानी चोटें, एक चोट लग गई उसके ऊपर आमतौर पर खिलाड़ी उस पर ध्यान ना दे और उसके बाद फिर उसको उसी जगह पे चोट लग जाए, या उस चोट का प्रॉपर उपचार ना हुआ हो और उसके बाद उसी को लॉन्ग टर्म तक हम उसी अंग को उसी तरीके से यूज करते रहें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुआ हो, तो जो यही चोटें होती हैं वो पुरानी और गंभीर चोटों के रूप में हो जाती हैं। इनको हम दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि क्रॉनिक इंजरीज यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम द ओवर यूज ऑफ वन एरिया ऑफ द बॉडी एंड डेवलप ग्रेजुअली ओवर टाइम लाइक शिन स्प्लिट्स एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर। या हम पुरानी चोटों की बात करें तो आमतौर पर शरीर के एक क्षेत्र के अत्यधिक उपयोग के कारण, यानी कि अगर हमें शोल्डर इंजरीज हो गई है और हम शोल्डर इंजरीज में उसको ध्यान उसकी प्रॉपर केयर ना करके उसी पर बार बार उसी अंग को हम यूज करते रहे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट तब हमें नजर आते हैं। इसको हम लोग क्रॉनिक चोट इंजरीज के अंतर्गत रखते हैं। समय के साथ पिंडली की मोच या तनाव फ्रैक्चर जैसे जैसे धीरे विकसित हो जाता है तो इसको क्रॉनिक इंजरीज के अंतर्गत समझते हैं। खेल चोटें कई प्रकार की हो सकती हैं, इनको अगर हम देखें तो बहुत अलग शब्दों में अगर देखें तो मसल इंजरीज भी कहते हैं, टेंडन इंजरीज भी कहते हैं, बोन इंजरीज भी कहते हैं। इसको क्लासिफिकेशन इसका कई लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है, यहाँ पर हमने सिर्फ टू ब्रॉड कैटेगरीज की बात की है जो है एक्यूट इंजरीज और क्रॉनिक इंजरीज। तो खेल चोटों के उपचार के लिए भी बहुत बड़ा रोल होता है, इसकी गतिविधियां कैसी कैसी होती हैं अभी हम इसको अगली स्लाइड में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब देखते हैं ऐसे कौन से कारक होते हैं जिनसे चोट खेल चोटें लगती हैं। तो फैक्टर्स कॉजिंग इंजरीज, द कॉज ऑफ एन एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरीज इज अ फोर्स ऑफ इम्पैक्ट दैट इज ग्रेटर देन द बॉडी पार्ट कैन विदस्टैंड, व्हाइल अ क्रॉनिक इंजरीज टिपिकली हैपेंस आफ्टर रिपीटिंग द सेम मोशन ओवर एंड ओवर अगेन। गंभीर खेल चोटों का कारण प्रभाव का वह बल है जो शरीर के अंग सहन करने की क्षमता से अधिक होता है। शरीर के अंग सहन करने के मतलब जो शरीर के बॉडी पार्ट्स हैं उनके उनकी जो सहनशीलता है उससे कहीं ज्यादा अधिक होता है, उनकी क्षमता से ज्यादा होता है। और जबकि पुरानी चोटें जो होती वो आमतौर पर एक ही गति को बार बार दोहराने के बाद होती है, यानी कि एक किसी अंग पर बार बार कोई गति अगर दोहराई जाए तो उसको हम क्रॉनिक इंजरीज के अंतर्गत ला सकते हैं। और ये चोटें कभी भी सामान्यतः लग सकती हैं, खेल में चोट लगना क्योंकि स्वाभाविक है, तो इनके खेल में चोट लगने के जोखिमों के कारणों को देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। तो एनीवन कैन सफर अ स्पोर्ट्स इंजरी, द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज इंक्लूड्स लाइक नॉट यूजिंग द करेक्ट एक्सरसाइज टेक्निक्स। जब हम खेल खेलने के सही तकनीकों का, सही स्टेप्स का यूज नहीं करते हैं, उनको जानने के सही तरीकों का यूज नहीं करते हैं, तो चोटें लगना, खेल चोटें लगना स्वाभाविक है। जैसे कि अगर हमने फॉरवर्ड बेंडिंग की तो हमें फॉरवर्ड बेंडिंग के प्रॉपर स्टेप पता होने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम अगर करेंगे चीजों को, तकनीक के माध्यम से सीखेंगे खेल की स्किल को, तकनीक के माध्यम से खेल कौशलों को सीखेंगे, तो उसमें कम से कम जोखिम होगा खेल चोट लगने का। नेक्स्ट है ट्रेनिंग टू ऑफन, टू फ्रीक्वेंटली, फॉर टू लॉन्ग। जब कभी बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है, प्रशिक्षण बहुत जल्दी जल्दी होता है, एक ही खिलाड़ी को आप कई शेड्यूल्स में उसको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, या उसकी जो ट्रेनिंग है या उसकी जो प्रतियोगिताएं हैं वो जल्दी जल्दी आ रही हैं, और या उनकी प्रतियोगिताओं के बीच में खूब लंबा गैप हो जाता है, या वो प्रतियोगिता लंबे समय तक चल रही है, लगातार एक प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी खेल रहा है, तो इस कारण भी किसी खिलाड़ी के अंगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो लंबे, जैसे क्रिकेट है, आजकल आप देख रहे होंगे क्रिकेट में कितने सारे प्रतियोगिताएं हो रही है, कॉम्पिटिशन, एक खिलाड़ी कितने सारी प्रतियोगिताओं में एंगेज रहता है। अगर वो अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं रखेगा, प्रॉपर उस पर ध्यान नहीं देगा, एक्सरसाइज पे, टेक्निक्स पे ध्यान नहीं देगा, तो उसको खेल चोटें लगना बहुत ही स्वाभाविक है। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है खेलों में चोट लगने का। नेक्स्ट है चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टू क्विकली, यानी कि जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी, उसकी बारंबारता हम कितनी बार दे रहे हैं, जल्दी कर दे रहे हैं
तो और तेजी से करेंगे, तो तेजी से चोट लगने की स्वाभाविक से बात है कि हम अगर किसी चीज को बहुत गतिविधि को बढ़ा दें, एकदम से तेजी से कर दें, दौड़ रहे हैं ट्रेडमिल पर दौड़ना, सामान्य रूप से दौड़ना इनिशियल स्टेज पे, जब तक कि आप उसके यूज टू ना, जब बॉडी उसको एक्लेमेटाइज ना कर ले तब तक तो ठीक है, पर अगर हम सडनली उसकी इंटेंसिटी को तेज कर देते हैं, एक्टिविटी को जल्दी जल्दी बढ़ा देते हैं, तो खेल चोटों का लगना स्वाभाविक है और ये खेल में चोट लगने के जोखिम को बढ़ा देता है। रनिंग और जंपिंग ऑन हार्ड सरफेस, जैसा कि हम सभी जानते हैं खिलाड़ी के खेलने का जो सरफेस है, दौड़ने का जो सरफेस है, वो या तो मिट्टी का होना चाहिए या वो ट्रैक बना होना चाहिए, प्रॉपर सिंथेटिक ट्रैक होना चाहिए। अगर खिलाड़ी अज्ञानतावश कभी कभी क्या होता है हार्ड सरफेस में सड़कों में दौड़ना शुरू कर देता है, एक जो बिगिनर होता है उसको पता नहीं होता है, अगर प्रॉपर ट्रेनर के अभाव में हम खेलते हैं या खेलना शुरू करते हैं, तो इन सब चीज़ों की जानकारी भी हमें पहले हो जानी चाहिए कि रनिंग और जंपिंग जो सरफेस है वो हार्ड सरफेस अगर हुआ तो सीधे सीधे काफ मसल्स और हमारी लेग्स को सीधे प्रभावित करता है और लॉन्ग टर्म इंजरी दे देता है, और इतनी हार्ड हो जाती है कभी कभी मसल्स कि उनकी स्टिफनेस इतनी बढ़ जाती है कि उसमें प्रॉपर हमको ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है, एक अच्छे फिजिशियन का, अच्छे डॉक्टर का हमको दवाइयां करनी पड़ सकती हैं, और जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, वियरिंग शूज दैट डू नॉट हैव इनफ सपोर्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, आज स्पोर्ट्स की इंडस्ट्रीज जो हैं वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं, स्पेशली हम अगर स्पोर्ट्स के शूज़ की बात करें और इक्विपमेंट्स की बात करें, तो शूज़ जैसे आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सभी लोग अच्छे ब्रांड्स के अगर शूज़ पहन नहीं सकते हैं, तो कम से कम इतना ज़रूर ध्यान रखें कि हम जो शूज़ ले रहे हैं वो हमें सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो भारी तो नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा भारी होते हैं या उनको जो पहनने में हमें तकलीफ हो रही होती है, उनकी प्रॉपर सेटिंग नहीं है पैरों में, अगर बच्चों को भी हम अगर इनिशियल स्टेज पे स्पोर्ट्स में डालते हैं, तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि जो हमारे स्पोर्ट्स के जो वियरिंग्स हैं, जो हम लोग पहन रहे हैं, जो जो उसकी एसेसरीज हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट हैव इनफ सपोर्ट्स, जो कि सपोर्ट नहीं करते, ये भी एक जोखिम का बहुत बड़ा कारण है खेलों में चोट लगने का, खेलों के माध्यम, क्योंकि पैर ही वो अंग हैं जो हमें सपोर्ट देते हैं। रनिंग में बहुत ज़्यादा, किसी भी खेल में स्पोर्ट्स शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ये खेलों में चोट लगने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। नेक्स्ट, नॉट वियरिंग द प्रॉपर इक्विपमेंट, बिल्कुल सही बात है, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हमने हेलमेट का प्रयोग नहीं किया तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो नॉट वियरिंग द प्रॉपर, ये बात सिर्फ खेलों में क्रिकेट में लागू नहीं होती, अलग अलग खेलों में लागू होती है और अलग अलग खेलों में अलग अलग तरीके से स्पोर्ट्स के सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखते हुए उनके प्रॉपर इक्विपमेंट होते हैं उनको वियर किया जाना चाहिए, नहीं तो खेलों में चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है, हैविंग हैड अ प्रायर इंजरीज, यदि आपको पहले कोई चोट लग चुकी है और आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, फिर भी आप खेल गतिविधियों में लगातार सम्मिलित हैं, तो भी वो खेल चोटों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। और होता क्या है कि सामान्यतः हम उसको आमतौर पर छोड़ देते हैं, अरे ठीक हो जाएगा, नी पेन हुआ है तो हम लोग सोचते हैं ठीक हो जाएगा, थोड़े समय तक इसको देखा जाएगा फिर ठीक हो जाएगा, और लगातार अभ्यासरत रहते हैं, लगातार सेशन ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो उस लगी हुई चोट पे पुनः फिर से चोट लगने के कारण वो इंजरी बढ़ जाती है। इसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज क्या होते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हमने इसको तीन भागों में विभक्त किया है, जिसमें से ये एक स्लाइड है जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि क्या ऐसे सामान्य सिद्धांत हैं जिनके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि चोटों की रोकथाम कैसे की जा सकती है। सबसे पहले है फिजिकल कंडीशनिंग। फिजिकल कंडीशनिंग यानी कि शरीर को उस कंडीशन में ढाल लेना जिससे कि चोट की रोकथाम हो सके, यानी कि उसके प्रमुख सिद्धांत हैं उनको हमको फॉलो करना चाहिए जिसके कारण चोट के जोखिम को कम किया जा सके और उसकी गंभीरता, अगर चोट लगे भी तो उसकी गंभीरता या उसके गंभीर परिणाम ना हो सके। साथ ही साथ अगर ये बताएं, अगर प्रॉपर फिजिकल कंडीशनिंग होगी तो हम चोट को रोकने में भी मदद करती हैं, हमारी मसल्स उसके लिए यूज हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है पूरी बॉडी में अच्छे से, और उसके बाद
सभी जो अंग होते हैं वो ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं, जिसके कारण चोट लगना, जो चोट लगने की गुंजाइश है वो कम हो जाती है। लगती तो है चोट, क्योंकि खेलों में चोट लगना, मैंने पहले भी बताया, इट्स नेचुरल। बच्चा खेलता है, घर में भी खेलता है तो भी उसके चोट लगती है। और अगर हम किसी टीम के लिए खेल रहे हैं, किसी टीम की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी खेल में चोट लगना स्वाभाविक है। तो सुरक्षित एथलेटिक प्रदर्शन के अवसर को अधिकतम करने के लिए खेल के लिए पर्याप्त मांसपेशियों की ताकत होनी जरूरी है, और उस ताकत और संतुलन और शक्ति सहनशीलता को प्राप्त करने के लिए हमें प्रॉपर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है। फिजिकल कंडीशनिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा हमारा खेल हो अभ्यास होगा, और उतने ही कम चांसेस होंगे हमें खेल चोटों के लगने के। साथ ही साथ अगर हम देखें, एडिक्वेट वार्म अप एंड कूल डाउन, पर्याप्त वार्म अप और कूल डाउन बहुत जरूरी है। वार्म अप के दौरान जो हम खेलों से पहले जब वार्म अप करते हैं बॉडी को, वार्म अप यानी कि ऊष्मीकरण जब हम करते हैं शरीर का, तो हमारे शरीर का तापमान जो है वो बढ़ जाता है, जो कि प्रदर्शन को और सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारकों या मुख्य कारकों में से एक है। और जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो हमारी मांसपेशियों में, लिगामेंट्स में, हमारे बोन्स में, एक हमारे जो टिश्यूज है उसमें, उनको गर्माने का यानी कि उनको वार्म अप देने का एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब देखते हैं, आपने देखा होगा, एथलीट सबसे पहले ग्राउंड पे उतरता है तो थोड़ा सा धीरे धीरे वॉकिंग करना शुरू करता है, फिर तेज तेज थोड़ा सा दौड़ता है, फिर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ दौड़ना शुरू करता है, फिर उसके बाद जब उसका पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है तो वो एक्सरसाइजेस पे आता है। तो एक प्रॉपर चैनल होता है, प्रॉपर टेक्निक होती है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसके अनुसार अगर हम चलेंगे उतने ही कम चांसेस होंगे इंजरी लगने के। और इसको एक अच्छे ट्रेनर के अंतर्गत अगर करेंगे तो वो ये भी बताएगा साथ ही साथ कि आपको कितने रेंज ऑफ मूवमेंट देना है किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को। तो इसलिए उचित कूल डाउन भी इसके साथ आवश्यक हो जाता है। जितनी तेजी से आपने वार्म अप किया है उसका प्रॉपर कूल डाउन भी होना चाहिए, यानी कि शरीर को सामान्य कार्यों में वापस लाने के लिए उसका कूल डाउन होना जरूरी है। यानी कि अगर हम 20 मिनट के कूल डाउन को देखते हैं, अगर वार्म अप के बाद अगर हमने कूल डाउन की गतिविधि की, तो एथलीट ऐसी गतिविधियां करे जिस जो उसने प्रशिक्षण के तनाव से तेजी से पुनर्सर्जन की प्राप्ति की हो, या जो उसने अपनी ऊर्जा ट्रेनिंग में करी हो, वेस्ट करी है, उसको प्रॉपर रेस्ट मिल जाए, कूल डाउन हो जाए उसकी बॉडी। तो खिलाड़ी के जो अंतिम अभ्यास होता है वो कूल डाउन का ही होता है। अब हम बात करते हैं एडिक्वेट स्ट्रेचिंग की। एडिक्वेट स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी इस बात को कहा कि पर्याप्त स्ट्रेचिंग जो होती है एक सरल और प्रभावी गतिविधि है। इसको इजी इसलिए बोला जाता है कि जितनी अच्छे रेंज ऑफ मूवमेंट होंगे हर खेल में आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये आपके प्रदर्शन को बढ़ाता है, चाहे फिर वो कबड्डी हो, फिर चाहे जिम्नास्टिक हो, दोनों ही खेलों में प्रॉपर और एडिक्वेट स्ट्रेचिंग जो बॉडी की है वो बहुत जरूरी है। नॉर्मल डे टू डे हम एक्सरसाइज जो करते हैं उसमें भी अगर हमारी स्ट्रेचिंग अच्छी है, स्ट्रेचिंग हमने प्रॉपरली की होती है, तो वो हमारे मूवमेंट्स की, हमारे जॉइंट्स की जो है वो गति सीमा को बढ़ा देता है, और हमारे मांसपेशियों की जो स्ट्रेस है या तनाव है उसमें उसको कम करता है। तो इसलिए एडिक्वेट स्ट्रेचिंग की बहुत जरूरत होती है एक चोट के जोखिम को कम करने के लिए। फिर हम बात करेंगे एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड्स की। यहाँ आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेनर जो है वो एथलीट को प्रॉपर ट्रेनिंग मेथड्स के द्वारा ट्रेन कर रहा है। तो अलग अलग खेलों में अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं, और ये अच्छे ट्रेनर के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए, उसकी प्रॉपर सुपरविजन में ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। जितना अच्छा हमारा इक्विपमेंट होगा उतना ही हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में जो इंजरीज हैं उनके लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सामान्य सिद्धांत है कि हम जो भी उपकरण यूज करें वो सुरक्षात्मक ढंग से यूज करें, उसके तरीके हमें पता हो, उस इंस्ट्रूमेंट को हम किस प्रकार यूज करना है वो पता होना चाहिए। इसलिए
चोटों को कम करने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी है। रेस्ट एंड रिकवरी, आराम और रिकवरी बहुत जरूरत है, क्योंकि सामान्यतः अच्छे जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है, और एक वर्कआउट जिस तरीके से इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से हमारी बॉडी को रेस्ट की भी बहुत जरूरत होती है। लगातार आप अत्यधिक परिश्रम करते रहें और मेहनत करते रहें तो थकान भी ज्यादा होगी, और अगर एथलीट के को देखा जाए, एथलीट की दृष्टि से देखा जाए तो चोट लगने का खतरा भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो रेस्ट प्रॉपर जरूरी है, रिकवरी भी बहुत जरूरी है। अगर कोई आपको चोट लग चुकी है तो उसमें रिकवरी का प्रोसेस कितना है उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे प्रशिक्षण के अंतर्गत इसको करना चाहिए। साथ ही साथ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, देखिए सकारात्मक मनोवैज्ञानिक तैयारी की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि चोट लगने के कारण एथलीट का जो मानसिक और शारीरिक जो तैयारी होती है उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ता है, और उसको मनोवैज्ञानिक रूप से पुनः तैयार करने के लिए, उसके जीवन में तनाव को कम करने के लिए उसको सकारात्मक चीजों की ओर ज्यादा प्रेरित किया जाना चाहिए। चोट लगने के लिए और जो तनाव हो जाता है चोट लगने के बाद उसको कम करने का एक प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक तैयारी होनी चाहिए एक ट्रेनर के पास, कि खिलाड़ी को पॉजिटिव साइकोलॉजिकल उसकी प्रिपरेशन करे कि वो किस तरीके से सकारात्मक सोच की तरफ बढ़े और अपने प्रदर्शन को पुनः प्राप्त कर सके। एडिक्वेट डाइट एंड न्यूट्रिशन, इसको तो हम बिल्कुल नकार ही नहीं सकते। जब हम रोजमर्रा अपने खाने पे बहुत ध्यान देते हैं तो जब हम एक एथलीट हैं तो उस पे ज्यादा उसके खाने पे ध्यान देना चाहिए, उसमें ज्यादा ज्यादा जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट फैट, इनका कितना सम्मिश्रण होना चाहिए उसके खाने में, कौन कितनी मात्रा में दिया जाना चाहिए, इसको बहुत ही उसके डाइट चार्ट बनाना चाहिए। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ठीक होने के लिए आवश्यक तो पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग एक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है। तो दोनों ही तरीके से इनका एक जो कॉम्बिनेशन है वो एथलीट के खाने में होना चाहिए, जो कि एक जनरल प्रिंसिपल है प्रशिक्षण के लिए। चोट की इस प्रकार अगर आप देखें, इन सभी फैक्टर्स के अंतर्गत हमने चोट के कई सारे सामान्य सिद्धांतों को समझने की कोशिश की कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए। इसके साथ धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं स्प्रेन स्ट्रेन फ्रैक्चर्स, इन सब जो कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज हैं उनके बारे में बात करूंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।